नमस्कार, मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज हम यहाँ बीएमटीसी 134 के बीजगणित पाठ्यक्रम की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पहली किताब का जो समूह सिद्धांत था, इसके खंड दूसरा खंड है प्रासामान्य उपसमूह और समूह की समाकारिताएं। इसकी 9वीं इकाई में हमने जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है क्रमचय समूह। तो समूहों में ही एक स्पेशल समूह होता है, जिसको ऑलरेडी हमने पिछले इकाई में, 8वीं इकाई में एक बार उदाहरण में इस्तेमाल किया था, जिसको हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। तो उसको, उसके बारे में यहाँ पर आज हम डिटेल यहाँ पर विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। इस इकाई का उद्देश्य यही है कि हम सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में जानें, इसकी विशेषता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके कितने नॉर्मल सब ग्रुप, प्रासामान्य ग्रुप बन सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी सिमेट्रिक ग्रुप की प्रारंभिक संकल्पनाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सिमेट्रिक ग्रुप है को क्रमचय समुच्चय कहा जाता है, और इसको इंग्लिश के सिमेट्रिक से कैपिटल एक्स, कैपिटल एस यहाँ पर अल्फाबेट लिया गया है, और सफिक्स में यहाँ पर एन लिखा जाता है। तो एसेंस से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एसेंस ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये सफिक्स में स्मॉल एन लिखा हुआ है, ये बताता है कि एसएन जिस भी क्रमचय समुच्चय पे ये क्रमचय समुच्चय डिफाइन किया गया है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहला फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से हम एक सेट बनाते हैं और उस पर डिफाइन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, ये एलिमेंट्स का कलेक्शन नहीं होता। सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, ये वन वन ऑन टू एकैकी आच्छादिक जो फंक्शंस होते हैं उनका कलेक्शन होता है। अब वो फंक्शंस अगर हैं तो उसका कुछ डोमेन सेट भी होगा, कुछ को डोमेन सेट भी होगा। वो कौन से सेट हैं? तो यही पर अब जरूरत पड़ती है स्मॉल एन की, कि हम यहाँ पर डोमेन और को डोमेन सेट बनाते हैं, जो दोनों ही यहाँ पर एलिमेंट्स में बराबर है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये ऑन्टो फंक्शन है। ऑन्टो फंक्शन कब होता है, जब यहाँ पर डोमेन की नंबर ऑफ एलिमेंट्स और को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों ही यहाँ पर बराबर हो, जो कि हम पिछली इकाइयों में विस्तृत रूप से चर्चा इसके बारे में कर चुके हैं। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट्स होंगे, पहले एन नेचुरल नंबर यानी एक से लेकर एन तक का। यहाँ पर अगर मैंने एस टू किया तो यानी एक से लेकर दो तक यहाँ पर दो ही एलिमेंट होंगे। एस फाइव कहा तो यानी एक से लेकर पांच तक का नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कोडोमेन के एलिमेंट होंगे, और डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, और यही एलिमेंट्स आपके कोडोमेन के होंगे। अब इस पर एक फंक्शन अगर हम डिफाइन कर देते हैं कोडोमेन से डोमेन पे, तो कितने तरह के वन वन ऑर्डर, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहां पर वन वन ऑर्डर फंक्शन बन सकते हैं, उन सारे फंक्शनों का अगर हम कलेक्शन करें तो वो हमारा क्रमचय का समुच्चय बनता है, जिसको हम एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा समुच्चय बनता है, क्या ये ग्रुप अपने आप में ग्रुप फॉर्म करता है, यानी कि क्या ये इसके रिस्पेक्ट में कोई एक हम बाइनरी ऑपरेशन अगर हम डिफाइन करें, क्योंकि ये फंक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है, इसके एलिमेंट्स डायरेक्ट एलिमेंट्स ना होकर फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन लिया जाता है वो कंपोजिशन ऑपरेशन लिया जाता है। तो अब कंपोजिशन ऑपरेशन जो होता है, ये सबसे पहले ये अल्जेब्रिक ऑपरेशन है कि नहीं, तो हम देखते हैं कि दो फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो भी एक नया फंक्शन ही बनाता है, जो कि आपका अगर हमने ए टू बी डिफाइन किया और बी टू सी डिफाइन किया, तो जो कंपोजिशन फंक्शन होता है वो ए से सी पर डिफाइन हो जाता है, बी हम वहां पर रिप्लेस कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स के डोमेन को डोमेन एलिमेंट्स यहाँ पर डिफाइन है, फिक्स है, और अगर आपने एफ को ए टू ए डिफाइन किया और अगेन फिर आप एक दूसरा फंक्शन जी लेते हैं जो कि ए से ए डिफाइंड है, तो इनका कंपोजिशन फंक्शन जो गॉफ फंक्शन होगा वो भी ए से ए पर ही डिफाइन होगा। तो इसका भी यानी कि एक नए तरीके का एक वन वन ऑन्टो फंक्शन हुआ। और आपने पहले ही बता रखा है कि जितने भी ए से ए तक जाने वाले जितने भी वन वन ऑन्टो फंक्शन होंगे वो सारे फंक्शन एसएन के मेंबर होंगे, तो ये जो कंपोजिशन फंक्शन हुआ ये भी एसएन का ही मेंबर हो गया। इसका मतलब जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन की जो हमारी कंडीशन होती थी कि अगर हमने दो एलिमेंट लिया किसी भी जिस भी ग्रुप पर हम जिस भी सेट पर हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो उनको अगर हमने ऑपरेट किया बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो जो रिजल्ट में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो भी उस सेट का ही मेंबर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, यानी कि एसएन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कंपोजिशन जो ऑपरेशन है ये यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन होंगे। अब इसको ग्रुप होने के लिए और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वो और सारी दूसरी नंबर वन प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि हमारे ये बाइनरी ऑपरेशन की इक्विवेलेंट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी दो तीन फंक्शंस की यहाँ पर जरूरत होगी, एफ कंपोजिशन जी, इसके बाद कंपोजिशन सी की दूसरा फंक्शन एच अगर हमने ले लिया, तो एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच की वैल्यू
जी कंपोजिशन एच पहले लेंगे और देन फिर हम उसको लेफ्ट साइड से एफ कंपोजिशन, अगर हम वहां पर वैल्यू चेक करेंगे तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होगी, फिर इसका एक यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जो हर एक एलिमेंट को, अगर हमने एक से लेकर पांच तक के एलिमेंट लिए हैं तो कौन सी मैपिंग आइडेंटिटी मैपिंग होगी। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक की इमेज यहाँ पर एफ ऑफ वन ही होगी, टू की इमेज एफ ऑफ टू होगी, एन की इमेज यहाँ पर एफ ऑफ एन होगी, यानी कि वन की इमेज वन, टू की इमेज टू, थ्री की थ्री इमेज थ्री, और ऐसे ही करते करते फाइव की इमेज अगर फाइव है तो ये जो हमारा स्पेशल फंक्शन हुआ ये भी हमारा वन वन फंक्शन होगा और ऑन्टो फंक्शन होगा, यानी एक एकी और आच्छादक फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन भी हमारा SN का मेंबर होगा और इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी आइडेंटिटी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स फंक्शन के बारे में अगर ध्यान दीजिए तो हम इनवर्स की फंक्शन की चर्चा हम तभी कर सकते हैं जब फंक्शन वन वन और ऑन टू। यहाँ पर आपने क्या कहा कि फंक्शन आपका एक ये SN कैसे फंक्शन का कलेक्शन है जो एक एकी आच्छादक है, तो अगर एक हर एक जो फंक्शन एक एकी आच्छादक होता है उसके इनवर्स फंक्शन की चर्चा हम कर सकते हैं, यानी हर एक फंक्शन का यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो अगर एफ फंक्शन आपका ए से ए डिफाइंड है तो इनवर्स भी क्या होगा, फिर से ए ही डिफाइंड होगा, यानी एक नए तरीके का ये आपका वन वन ऑन्टो फंक्शन हुआ। और SN क्योंकि सारे वन वन ऑन्टो फंक्शन का कलेक्शन है तो इसका इनवर्स की भी कंडीशन यही हो जाएगी कि एफ का जो इनवर्स एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन है वो भी SN का ही मेंबर होगा। तो आपने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिलोम यानी कि यहाँ पर इनवर्स की एलिमेंट्स भी सारे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यानी SN यहाँ पर आपका एक समूह यहाँ पर बनाता है जिसको हम यहाँ पर क्रमचयो का समूह कहते हैं, इसको सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। SN कैपिटल L से ही SN से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये S वर्ड आपका सिमेट्रिक इंग्लिश जो वर्ड से ही लिया गया है तो कैपिटल S ही लिया जाता है इसका रिप्रेजेंटेशन। और सफिक्स में N यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें जितने भी फंक्शन है उसके डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, कहाँ तक हमें नेचुरल नंबर पे एक से स्टार्ट करके हमें कहाँ तक रुकना है। अगर S3 लिखा हुआ है तो यानी 1, 2, 3 एलिमेंट के पर डिफाइंड सारे फंक्शन का कलेक्शन है, 5 लिखा है तो 5 पर डिफाइंड सारे फंक्शन का ये कलेक्शन है। अब इसमें SN में टोटल अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर अगर चेक करना हो कि कितने फंक्शन ऐसे बनेंगे तो उसका भी एक फॉर्मूला है जो कि फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट होता है। अगर हमने S ऑफ N डिफाइन किया है तो इसमें फैक्टोरियल N एलिमेंट्स बनेंगे, यानी फैक्टोरियल N टाइप के डिफरेंट वन वन ऑन्टो फंक्शंस यहाँ पर बनेंगे। S5 की बात अगर आप करेंगे तो फैक्टोरियल 5 यहाँ पर डिफरेंट वन वन ऑन्टो फंक्शन यहाँ पर बनेंगे। तो आइए और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कंपोजिशन फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। मान लीजिए हमने एक सिमेट्रिक ग्रुप लिया है S4। S4 का मतलब क्या हो गया, पहले इसकी बेसिक चर्चा हम यहाँ पर कर लें। S4 का मतलब यह हुआ कि यहाँ ये S4 ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन है जिसके डोमेन में चार नेचुरल नंबर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, और को डोमेन में भी सेम एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है। उसके दो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिए F और G, जिसमें पहला F डिफाइन किया गया है जिसको एक लाइन में रिप्रेजेंट किया है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो पिछले ही स्लाइड्स में आप देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है कि इसके एलिमेंट्स को क्योंकि फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हमेशा हम टू रो में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रो रिप्रेजेंट करता है कि डोमेन के एलिमेंट, और दूसरे रो में रिप्रेजेंट करता है कि इस जो पहले एलिमेंट की इमेज क्या है, यानी वन के नीचे जो भी एलिमेंट लिखा होगा यानी ये उसका इमेज लिखा हुआ। अगर वन के नीचे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 3 क्या है, एक की इमेज विद रिस्पेक्ट टू जो फंक्शन वहां पर दिया हो। तो यहाँ पर देखिए एफ का रिप्रेजेंटेशन, एफ को कैसे लिखा गया है, एक स्मॉल ब्रैकेट में 1, 2, 4, 3 करके। तो ये भी एक अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा आगे हम करेंगे। तो 1, 2, 3 का मतलब यही होता है कि ये एक साइक्लिक फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि एक की इमेज जस्ट इसके बाद का जो एलिमेंट लिखा हुआ वो होगा। एक के बाद 2 लिखा हुआ यानी एक की इमेज 2 है, 2 के बाद 4 लिखा हुआ तो इसका मतलब 2 की इमेज 4 है, और 4 के बाद 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब 4 की इमेज 3। अब 3 के बाद ब्रैकेट क्लोज है तो 3 की इमेज क्या होगा, तो 3 का इमेज जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट जो स्टार्टिंग एलिमेंट है 1, वो 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए F, आपने कहा कि F S4 का एलिमेंट है, इसका मतलब F में जो डोमेन के एलिमेंट होंगे वो 4 ही हो सकते हैं। उनका सीक्वेंस देखिए 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। तो F का दूसरी स्लाइड में आप देखिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि इसका रिप्रेजेंटेशन टू रो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो अगर F के बारे में लिखना है तो पहली रो में जो S4 के 4 एलिमेंट्स है, यानी डोमेन के चारों एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 हम सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देते हैं।
उसके बाद वन के नीचे हम क्या लिखते हैं, वन की इमेज लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक की इमेज दो है, तो हम क्या लिखेंगे, एक के नीचे हमने दो लिख दिया। दो के नीचे अब दो की इमेज लिखी जाएगी क्योंकि दो के बाद चार लिखा हुआ है, तो दो के नीचे यहाँ पर देखिए चार लिखा हुआ है। तो ये दोनों ही जो रिप्रेजेंटेशन है 1 2 4 3 और 1 2 2 4 3 1 एंड 4 3, ये जो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम सिंगल रो एंड डबल रो दोनों के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये दोनों रिप्रेजेंटेशन एक किसका है, S4 के सारे एलिमेंट्स का। तो इसके एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दो तरीके से है, एक सिर्फ इमेज के फॉर्मेट में और दूसरा एक आपका डोमेन एंड कोडोमेन के एलिमेंट के फॉर्मेट में। अब जी का यहाँ पर देखिए, जी आपने क्लेम किया है कि जी भी S4 का एलिमेंट है, लेकिन इसके सर्किल में यहाँ पर सिर्फ 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 1 4 एंड 2। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो मैंने क्या बताया कि अगर जी आपका S4 का एलिमेंट है तो इसमें यानी इसके भी डोमेन में 4 एलिमेंट्स ही रहे होंगे। तो जी का रिप्रेजेंटेशन हम क्या करेंगे, पहले रो में हम 4 एलिमेंट 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देंगे। अब हम इनके इमेज के बारे में चर्चा करते हैं, तो सीक्वेंस देखिए क्या लिखा हुआ, एक के बाद 4 लिखा हुआ, यानी एक का यहाँ पर इमेज 4 होगी, तो एक के नीचे हमने 4 लिख दिया। 4 के बाद 2 लिखा हुआ है, तो यानी 4 की इमेज 2 है, 4, तो हमने 4 के नीचे 2 लिख दिया। 2 के बाद ब्रैकेट क्लोज है, इसका मतलब 2 की इमेज जो पहला एलिमेंट है इस ब्रैकेट का वो होगा, 2 के नीचे 1 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 मिसिंग है, 3 की इमेज नहीं लिखा हुआ है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स कि अगर कोई एलिमेंट्स नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो अपने ही एलिमेंट को यहाँ पर इमेज कर रहा है, तो 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। तो आपने देखा डोमेन एंड कोडोमेन के एलिमेंट्स ही यहाँ पर इमेज एंड उसकी प्री इमेज होगी, इसके अलावा कोई चौथा या कोई नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर नहीं आ सकता। तो आपने देखा इसका सीक्वेंस बन गया, इसका 2 रो रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, 1 का 4 2 का 1 3 का 3 एंड 4 का 2। तो हम लिखने का तरीका यही है कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो F और G अगर आपके S4 के एलिमेंट है, तो यहाँ पर फॉग के बारे में चर्चा की जा रही है कि कैसे हम यहाँ पर कंपोजिशन जो हमारा नया जो फंक्शन मिलेगा, क्योंकि S4 आपका ग्रुप है, अभी आगे आप इसी की एक डेफिनेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। तो S4 अगर ग्रुप है तो रूल यही कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर इन दो एलिमेंट्स को आपस में हम ऑपरेट करेंगे कंपोजिशन ऑपरेशन से या अल्जेब्रिक ऑपरेशन से, तो जो रिजल्ट वैल्यू मिलेगी वो भी S4 का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो एफ ऑफ जी को ऑपरेट करने का तरीका यही होता है कि आप एफ ऑफ जी को मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में रखें। और फॉग में क्या होता है, पहले जो एलिमेंट हम देखेंगे वो जी में देखेंगे क्योंकि जी बाद में लिखा हुआ है। तो जी में हम देख रहे हैं कि एक की इमेज कहाँ पर जा रही है, 4 पे। फिर उसके बाद हम अब एफ में आएंगे और एफ में देखेंगे कि 4 की इमेज कहाँ पर जा रही है, 3 पे। अब हम इसको अगर रिलेट करें तो जी में एक की इमेज 4 पे जा रही थी और एफ में 4 की इमेज 3 पे जा रही थी। तो इन दोनों बातों को अगर एक साथ देखा जाए फॉग में, तो क्या होता है, मिडिल वैल्यू यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं, यानी एक की इमेज फाइनल किस पे जा रही है, 3 पे। तो हमें फॉग में पहले एलिमेंट 1 2 3 4 में एक की इमेज क्या होगी वो हमें मिल गई, जो की है 3। तो हमने ये चीज यहाँ पर डिकोड कर लिया। अब हम आते हैं कि 2 की इमेज क्या होगी। 2 की इमेज सर्च करने के लिए फिर से हम जी में देखते हैं कि 2 की इमेज क्या थी। 2 1 पर जा रहा था, अब वापस 1 एफ पर आइए। यहाँ पर 2 जी में 2 की इमेज 1 पे जा रही थी, एफ में 1 की इमेज कहाँ पर जा रही है, वो वापस 2 पे जा रही है, यानी मिडिल वैल्यू 1 को हम डिलीट कर देंगे। तो 2 की इमेज कहाँ पर जा रही है, 2 पे जा रही है। तो हमने ये चीज फॉग में लिख दिया कि 2 की इमेज 2 पे जा रही है। इसी तरह हम 3 की इमेज और 4 की इमेज यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो फाइनली लास्ट स्लाइड, इस स्लाइड में लास्ट लाइन में आप देखिए फॉग की आपको यहाँ पर फॉग जो एलिमेंट आएगा वो भी मिल गया। ये भी क्या है, एक 1-1 ऑन 2 फंक्शन है, और 1-1 ऑन 2 फंक्शन होने की वजह से ये फॉग जो भी कुछ फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी S4 का ही मेंबर होगा। आइए अब देखते हैं, जितने भी आपने देखा कि इस पिछली स्लाइड्स में कि S4 के एलिमेंट को हम 2 रो में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत छोटे रिप्रेजेंटेशन एक छोटे से स्मॉल ब्रैकेट में भी कुछ नंबरों को मिसिंग करके भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने F और G को देखा, F को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 एलिमेंट की जरूरत पड़ी, और G को एलिमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए 3 ही एलिमेंट की जरूरत पड़ी, और इसका 2 रो रिप्रेजेंटेशन आपने देख ही लिया कि 4 चारों एलिमेंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है जहां पर हम नंबरों को मिसिंग कर सकते हैं और एक रो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आइए विस्तृत चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए F कोई SN का एक एलिमेंट है और इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ R एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इस जो एलिमेंट F है इसका रिप्रेजेंटेशन, ये जो F है इसका जो
ये जो भी यहाँ पर आपने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किया है सिमेट्रिक ग्रुप का, उसकी लेंथ, उस साइकिल की जो लेंथ है वो आर। हमने इसको साइकिल क्यों कहा, क्योंकि आप पिछले एलिमेंट पिछले स्लाइड्स में देखिए एफ में क्या है कि एक की इमेज दो थी, दो की इमेज चार थी, चार की इमेज तीन, एंड तीन की फिर से वापस एक पे आ रही है। तो अगर आप इसको एक रचना, अगर आप इसकी एक फिगर बनाएं तो आप देखेंगे कि ये साइक्लिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो रहा है, एक से शुरू होकर एक पर ही जाकर ये खत्म हो जा रहा है। तो ये क्या है, एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर अगली स्लाइड में साइक्लिक जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी लेंथ के बारे में चर्चा की जा रही है, और ये लेंथ कुछ और नहीं बस उसमें जितने एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट हो। तो पिछली स्लाइड में एफ में चार एलिमेंट्स थे, तो यानी वो एक साइकिल है जिसकी लेंथ चार थी। जी एक अलग से साइकिल था जिसकी लेंथ तीन थी, ठीक है। तो अब साइक्लिक, अब कोई भी जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है उसमें बहुत सारे लेंथ के साइक्लिक लेंथ के एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसमें से एक साइक्लिक जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पक्षांतरण भी कहते हैं, ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। वो क्या होता है कि कोई भी अगर एलिमेंट्स है उसके अगर साइक्लिक में सिर्फ दो एलिमेंट्स की आपको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ दो एलिमेंट्स की अगर जरूरत पड़ी, तो वो जो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा ट्रांसपोजिशन कहलाता है। यानी कि कोई भी साइकिल ऑफ लेंथ टू अगर है तो उसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं, बाकी सारे साइकिल्स को उसके लेंथ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर जी और एफ देखिए, तो जी को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी, तो ये हमारा एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है जिसकी लेंथ तीन है, और एफ को रिप्रेजेंट करने के लिए चार एलिमेंट की जरूरत पड़ी, ये भी एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है जिसकी लेंथ यहाँ पर चार है। अब एक अलग से एलिमेंट्स की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जी के बारे में। अब देखिए पिछले जितने एफ और जी का यहाँ पर जो एग्जांपल लिया गया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक एक ही साइकिल की जरूरत पड़ी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट्स वहां पर एस एन के हो जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा साइकिल की जरूरत पड़े। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जो वेरी फर्स्ट लाइन पे देखिए दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए गए हो, जिसमें फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स है, पांच एलिमेंट्स है, यानी ये किसका मेंबर होगा, डोमेन में जितने एलिमेंट होते हैं वही हमारा सिमेट्रिक ग्रुप के एन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एस फाइव का कोई मेंबर है। एस फाइव में, क्योंकि यहाँ पर डोमेन में देखिए एक दो तीन चार पांच तक का यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर, पांच नेचुरल नंबर लिया गया है, तो ये एस फाइव का कोई मेंबर है। और उसको आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन आया, तो अब रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका देखिए कि एक की इमेज गई तीन पे, तीन की इमेज गई चार पे, चार की इमेज जाने के बाद एक पर बंद हो गई, यानी स्टार्टिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट यहाँ पर सेम हो गया। तो हम इसका लिखने का तरीका क्या होगा, एक का इमेज यहाँ पर फिगर में भी देखिए लिखा हुआ गया है, एक को हम एक के बाद तीन लिखेंगे, तीन के बाद हम लिखेंगे चार, क्योंकि तीन की इमेज हमारी चार है, और चार के बाद फिर से इमेज वन आ रही है, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब बाकी एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट बच गए, दो और पांच एलिमेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। दो की इमेज हम देख रहे हैं वो जा रही है पांच पे, और पांच की इमेज फिर से जा रही है दो पे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे वो पहले साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे वन थ्री फोर, और दूसरे साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन में हम लिखेंगे टू एंड फाइव। तो जी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहाँ पर दो साइकिल की जरूरत पड़ी, जिसमें पहले साइकिल की लेंथ तीन थी और दूसरे साइकिल की लेंथ दो थी। इसमें पहला साइकिल एक साइक्लिक वो जो रिप्रेजेंटेशन बना वो साइक्लिक एलिमेंट है आपका सिमेट्रिक ग्रुप का लेंथ आर, और दूसरा जो दो और पांच है ये एक ट्रांसपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम और आगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट के सिमेट्रिक के, ये सिर्फ इमेज को बता रहे हैं। तो इनमें क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल से इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि एक की इमेज तीन है, तीन की इमेज चार है, ठीक है। अगर आप इस वर्ड को इस चीज को तीन से स्टार्ट करिए तो तीन की इमेज क्या है, चार की इमेज एक है, और एक की इमेज चार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक के बाद तीन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि एक की इमेज यहाँ पर तीन है, ठीक है। अगर आपने इस सीक्वेंस को चेंज कर दिया, डिस्टर्ब किया, एक के बाद चार लिख गया और चार के बाद तीन लिखा, तो वो आपको ये मैसेज देने लग गया कि एक का इमेज यहाँ पर चार हो गई और चार की इमेज तीन, जो कि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने पहले एलिमेंट क्या लिखा, बल्कि ऑर्डर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इस सीक्वेंस को, इस साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट का, ये यूनिक नहीं होता। हम आपको यही बात यहाँ पर समझाने जा रहे हैं कि ये जी का जो एलिमेंट है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है कि इसको हम तीन चार एक लिख देते, तीन चार एक से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती कि तीन की इमेज चार है, चार की इमेज एक है, और एक की इमेज अगेन फिर से तीन है, और
चार एक तीन भी हम लिख सकते थे। चार एक तीन का मतलब क्या होता, अगर मैंने चार पहले लिखा हुआ है तो आप कहते कि चार की इमेज एक है और एक की इमेज तीन है, और फिर से तीन की इमेज आपकी चार हो जाती। तो यहाँ पर क्या है, प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हमारा यहाँ पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑर्डर फिक्स है 1, 3, 4 का, कि एक का, तीन और उसके बाद वन का, तो आप किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, बट सीक्वेंस को बिना डिस्टर्ब किए हुए। दूसरा यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो 1, 3, 4 हमने पहले लिखा और 2, 5 को बाद में लिखा, इनका भी आपस में हम आगे पीछे कम्यूट कर सकते हैं। उसके बारे में देखिए, लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि चक्र के अंदर का एक ही क्रम रखना पड़ता है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। और ये दोनों एलिमेंट्स जो है, 5 और 2 को पहले लिखा जा सकता है और 1, 3, 4 को बाद में लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही जो चक्र है इनमें आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को अंडरलाइन करिएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट कई साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है तो उनमें आपस में कम्यूटेटिव रिलेशन होता है, उनको किसी भी चक्र को आगे पीछे लिखा जा सकता है। शर्त बस यही है कि उनमें आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए। तो इसी के बारे में यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि दो चक्र डिसज्वाइंट कहलाते हैं। कब डिसज्वाइंट कहलाएंगे? जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे कि आपने पिछले जी एग्जांपल में देखा कि दो चक्र से जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पर दो चक्रों की जरूरत पड़ी, एक 3 लेंथ की और एक 2 लेंथ की। तो दोनों में एलिमेंट अगर आप देखा जाए तो पहले में 1, 3, 4 था और दूसरे में 2, 5 था। तो दोनों में एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इनमें प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई भी चक्र को पहले और कोई भी चक्र को बाद में लिखेंगे, लेकिन शर्त अभी भी वही है कि सीक्वेंस यहाँ पर टूट नहीं सकता। सीक्वेंस वही होगा जो यहाँ पर पहले ही से ही आया हुआ है। तो H को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है कि H, मान लीजिए H में आपकी कहाँ का एलिमेंट है, तो ये चीज आप बता सकते हैं कि अगर H के यहाँ पर पहली रो में 5 एलिमेंट लिखा हुआ तो इसका मतलब ये H5 का एलिमेंट है। एक अब इसको हमें देखना है कि इसको हम चक्रीय फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। चक्रीय फॉर्मेट में रिप्रेजेंट तो कर ही लेंगे, लेकिन क्या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक चक्र की जरूरत पड़ी है या एक से ज्यादा चक्र की जरूरत पड़ रही है, उनकी लंबाई क्या है, तो उसको जानने के लिए आप देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले एक एलिमेंट का देखते हैं। तो एक की एलिमेंट एक पे ही जा रहा है, यानी ये चक्र यहीं पर क्लोज हुआ कि एक की इमेज एक पर, वापस एक की इमेज एक पर। तो अगर कोई एलिमेंट अपने आप को मैप करता है तो चक्रीय रिप्रेजेंटेशन लिखते समय हम उस एलिमेंट को वहां पर नहीं लिखते। कोई एलिमेंट अगर मिसिंग है तो उसका मतलब वो हमें यही इंफॉर्मेशन देता है, इसका लिखने का नियम यही है कि वो अपने आप को इमेज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर एक एक को इमेज कर रहा है तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगला एलिमेंट 2 है, 2 को हम देख रहे हैं, 2 के एलिमेंट यहाँ पर इमेज 3, तो 2 के बाद हमने 3 लिख दिया। 3 की इमेज हम वापस देख रहे हैं, फिर से 2 हो गया, एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे, यानी यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, पहला हमें साइकिल मिल गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं 4 पे, 4 की इमेज 5 मिल रही है और फिर से 5 की इमेज 4 पे आ रही है, तो यानी 5 लिखेंगे, 5 के बाद 4 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज। यानी इस H को, जो कि S5 का सिमेट्रिक ग्रुप S5 का मेंबर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 साइकिल की जरूरत पड़ी। अब इनमें एलिमेंट्स अगर आप देखो, एक साइकिल और था जो कि 1 था, सिंगल एलिमेंट जो 1 का 1 पे इमेज था, लेकिन सिंगल साइड जो लेंथ की जो इमेज साइकिल होती है उसको हम यहाँ पर नहीं लिखते, क्योंकि जो चीज मिसिंग है उसका मतलब यही है कि वो अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी इमेज वही स्वयं ही है। तो H का आप देखें, पहली साइकिल में 2, 3 एलिमेंट है, दूसरे में 4, 5, तो ये क्या है, ये ट्रांसपोजिशन है। पहली साइकिल भी ट्रांसपोजिशन हुआ, दूसरा साइकिल भी ट्रांसपोजिशन हुआ, और क्योंकि दोनों ट्रांसपोजिशन में एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ये दोनों साइकिल क्या है, डिसज्वाइंट है, इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। आगे पीछे लिखने के साथ साथ इनका सीक्वेंस भी हम ब्रेक कर सकते हैं, सीक्वेंस भी हम बिना तोड़े हुए एलिमेंट्स को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कि मान लीजिए 4, 5 लिखा हुआ है तो उसको हम 5, 4 भी लिख सकते हैं। 4, 5 ये कहता है कि 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 4 है, और अगर आपने 5, 4 लिख दिया तो उसका भी मतलब वही है कि 5 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 5। तो सीक्वेंस नहीं टूटना है, और कम्यूटेटिव हो सकता है कब, जब दोनों साइकिल यहाँ पर डिसज्वाइंट हो। तो वही प्रमेय 2 यहाँ पर लिखी हुई है, उसके बारे में देखिए कि अगर जनरल फॉर्मेट में, कि अगर सिमेट्रिक ग्रुप हो जिसमें n एलिमेंट्स हो, तो अगर उसके 2 वहां पर एलिमेंट्स लिए जो कि चक्रीय रिप्रेजेंटेशन है, तो वो आपस में क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे। कब, जब वो चक्र आपस में एक दूसरे से डिसज्वाइंट। अब प्रमेय नंबर 3 क्या कहती है, चक्र वियोजन। किस, यानी कि कोई भी आपका सिमेट्रिक ग्रुप हो तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम साइक्लिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी आपके सिमेट्रिक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन होता है।
अब उन साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन की हर एक एलिमेंट का यहाँ पर, जैसे कि हम ग्रुप में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालते थे, तो यहाँ पर भी साइक्लिक जो रिप्रेजेंटेशन है उनके भी ऑर्डर के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो उसका भी एक अपना फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि आपने एक यहाँ पर रो फॉर्मेट में दिया हुआ है, कोई एक एलिमेंट SN का हमने लिया और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एन साइकिल वहां पर एन साइकिल आर साइकिल की जरूरत पड़ रही है। आर साइकिल के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में हमने उसको रिप्रेजेंट किया, तो उस जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जितने भी हमने साइकिल लिए उस साइकिल्स का एलिमेंट, उसमें हर एक साइकिल के एलिमेंट्स को हम पहले काउंट करेंगे, कॉमा कॉमा लगाकर लिखेंगे, और फिर उस जितने भी आपने नंबर्स लिखे, पहले साइकिल की लेंथ, दूसरे साइकिल, मान लीजिए पहले साइकिल की लेंथ R1 है, दूसरे साइकिल की लेंथ R2 है, ऐसे करके Rth साइकिल की लेंथ Rn है, तो इन सब का जो LCM होगा, इन सारे नंबर्स का जो लेंथ का जो LCM होगा, वो हमें ये बताएगा कि जो एलिमेंट जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसकी कोटि क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर निकालने का यही तरीका है कि सारे साइकिल जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखिए एच का लिखा हुआ है, तो एच के पहले साइकिल की लेंथ 2 है, दूसरे साइकिल की भी लेंथ 2 है, तो 2 और 2 का एलसीएम भी यहाँ पर 2 होगा, यानी एच का यहाँ पर कोटि क्या है, 2। इसी तरह देखिए एस, एक उदाहरण S8 में यही चीज S10 में आपको यही चीज समझाने की कोशिश की गई है कि माल S10 लिया गया है, S10 का मतलब एक सिमेट्रिक ग्रुप लिया गया है, ये ऐसे ऐसे वेल एलिमेंट का ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन है जिसके डोमेन में 10 एलिमेंट होंगे, 10 नेचुरल नंबर होंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स लिख दिए गए, 1 से लेकर 10 तक। अगर S10 नहीं भी लिखा हो तो इस लेवल पे अब आपको ये पता चल जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रो में 10 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक, इसका मतलब ये S10 का यहाँ पर एलिमेंट है। अब इनकी इमेज के बारे में लिखा हुआ है, 1 की इमेज 7 है, 2 की 8 है, तो हम यही पर इसको साइक्लिक में चेंज करने का तरीका यही है कि हम स्मॉल, पहले सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, पहले एलिमेंट 1 लिखेंगे। अब लिखना शुरू करते हैं कि 1 की इमेज क्या है, 7, तो 1 के बाद 7 लिख दिया। 7 की इमेज हम ढूंढते हैं वो है 2, तो 7 के बाद 2 लिख दिया। 2 की इमेज है यहाँ पर 8 लिख दिया, और फिर से 8 की इमेज क्या हो गई, 1। एलिमेंट्स फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, यानी पहली साइकिल जो यहाँ पर रो एलिमेंट लिया गया है वो मिल गया। अब अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स रह गए हैं जिनके इमेज को हमने नहीं देखा, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला 1 और 2 के बारे में चर्चा हो चुकी है, तो अब हम तीसरे पे आते हैं। 3 की इमेज है 5, तो हमने स्मॉल ब्रैकेट लिखा, लगाया, 3 लिखा, 3 की इमेज 5 है, तो हमने 5 लिखा, 5 के बाद इमेज है 5 की, फिर से 3 एलिमेंट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको दूसरी साइकिल मिल गई। अब आते हैं हम 4 पे, क्योंकि हमने 1 की चर्चा कर ली 2 की चर्चा कर ली 3, तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में हमें चर्चा करनी है, कौन से एलिमेंट्स रह गए, 4th नंबर एलिमेंट, तो 4th की इमेज है यहाँ पर 6, तो स्मॉल ब्रैकेट लगाकर 4 लिखा, और 4 की इमेज 6 है, तो 4 के जस्ट बराबर नेक्स्ट में हम आप 6 लिखेंगे, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा कि 4 की इमेज यहाँ पर 6 लिखने के बाद अब 6 की इमेज फिर से चेक कर रहे हैं, तो वो वापस 4 आ रही है, एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर रह गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, 9 और 10 एलिमेंट अभी यहाँ पर बचे हुए हैं, तो 9 पर हम जाते हैं, 9 पर हम देख रहे हैं 9 खुद को ये इमेज कर रहा है, 9 की इमेज 9 है, तो ये एक साइकिल है जिसकी लेंथ 1 है, तो इसको हम यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 10 के एलिमेंट चेक करते हैं, तो 10 की इमेज भी 10 को ही मैप कर रही है, यानी 9 और 10 यहाँ पर एक ऐसे साइक्लिक है एलिमेंट्स है जिसका ये सिंगल साइकिल लेंथ के साइकिल से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो सिंगल साइकिल लेंथ यहाँ पर नहीं दिखाना होता है, उसको हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो रो हमारा जो बना ये 3 साइकिल के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में आया, जिसमें पहली साइकिल में 4 एलिमेंट है, बाकी साइकिल में 2-2 एलिमेंट। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो यहाँ पर रो एलिमेंट लिखा गया है S10 का, इसका कोटि क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, LCM लेंगे, पहले साइकिल की लेंथ यहाँ पर 4 है, 2 है दूसरे में, 2 तीसरे में, 2, तो 4 और 2 और 2 का यहाँ पर LCM क्या होगा, वो यहाँ पर 4 है, इसका मतलब जो इस एलिमेंट का ऑर्डर है वो यहाँ पर 4 होगा। तो इसी तरह हम हर एक एलिमेंट का यहाँ पर ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब प्रमेय नंबर 5 क्या कहता है, प्रमेय नंबर 5 हमें ये बताती है कि जितने भी सिमेट्रिक ग्रुप होते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप के पहले तो हमने ये देख लिया कि हर एक एलिमेंट को हम यहाँ पर साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में या साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रमेय नंबर 5 हमें ये बताती है कि जितने भी SN के एलिमेंट होते हैं इनको हम साइक्लिक डिकम्पोजिशन, जो हमारा ये ट्रांसपोजिशन होता है, ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत महत्वपूर्ण आगे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले
यही आप एलिमेंट्स देखिए, जैसे कि हमने S10 में रो लिया है, रो में का मल्टीप्लिकेशन में 3 साइकिल की जरूरत पड़ी, जिसमें 2 साइकिल थी जो उसमें 2-2 लेंथ के एलिमेंट थे और पहला साइकिल में 4 एलिमेंट की जरूरत पड़ी। तो ये प्रमेय ये कहती है कि इस रो का एक नया रिप्रेजेंटेशन और भी हो सकता है जिसमें सिर्फ 2-2 साइकिल के ही साइकिल रिप्रेजेंटेशन होंगे। तो इसी तरह इसी एलिमेंट के लिए नहीं, इसने जनरल यहाँ पर ही हमें जनरल स्टेटमेंट, एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि सिमेट्रिक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 2-2 साइकिल के लेंथ के मल्टीप्लिकेशन से हर एक एलिमेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसका सब एग्जांपल देखिए, उदाहरण नंबर 6 दिया गया है जो मैंने बात कही कि रो एलिमेंट लिया गया है। अब ये कहां से लिया गया है इस बारे में अगर आप देखें तो इसके फर्स्ट रो में 7 एलिमेंट लिए हैं, यानी ये किसी S7 सिमेट्रिक ग्रुप का एलिमेंट है। अब ये कहा, ये प्रमेय ये कहती है कि ये जो हमने एलिमेंट लिया है इसको हम जो है 2-2 साइकिल के लेंथ के मल्टीप्लीकेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लीकेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके पहले की प्रमेय क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट जो सिमेट्रिक ग्रुप का होता है उसको हम साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला हम पहली प्रमेय अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसका पहले साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो आप देखिए कि 1 की इमेज 3 पे जा रही है, 3 की 4 पे जा रही है और 4 की 1 पे, ब्रैकेट क्लोज, यानी 1-3-4 पहली साइकिल मिली। नेक्स्ट 2 की इमेज 6 पे जा रही है, 6 की इमेज 5 पे और 5 की फिर से 2 पे जा रही है, तो फिर से ब्रैकेट क्लोज हुआ। और एलिमेंट्स बचते हैं 7, 7 की इमेज 7 पे जा रही है तो 7 लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो रो का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2 साइक्लिक मल्टीप्लीकेशन का रिप्रेजेंटेशन जिसकी लेंथ 3-3 है। प्रमेय नंबर 5 ये कहती है कि ये जो 3-3 साइकिल का रिप्रेजेंटेशन है इसको हम 2-2 साइकिल में कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो देखिए, उसका लिखने का एक तरीका है कि अगर पहला जो 3 साइकिल है 1-3-4, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर साइकिल है वो एलिमेंट्स का उसके इमेज के साथ रिलेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो आप बस उसी को यहाँ पर बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद आप देखिए उसका डिकम्पोजिशन कैसे किया गया है। तो 1-3-4 का रिप्रेजेंटेशन इसमें यहाँ पर री रिप्रेजेंटेशन है कि 1-4 × 1-3, तो पहला एलिमेंट फिक्स कर दिया गया, सबसे लास्ट एलिमेंट से सीक्वेंस बनाना शुरू करते हैं। तो 1-4 को पहले लिखा और 4 के पहले एलिमेंट क्या है वो 1-3, अगर 3 के एलिमेंट कोई पहले होता 2 तो 1-2 भी, ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते चले जाते। इसी तरह दूसरे साइकिल को देखिए कैसे ब्रेक किया गया, पहला एलिमेंट फिक्स कर दिया गया और लास्ट एलिमेंट, उसके बाद का एलिमेंट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया गया, तो 2 का 5 एंड 2 का देन 5 के पहले एलिमेंट है 6, ब्रैकेट क्लोज। अब ये यहाँ पर देखिए इसके पहले जो पहले हमारा साइक्लिक जो रिप्रेजेंटेशन मिला था उसमें दोनों साइकिल टोटली डिसजॉइंट थे, पहले एलिमेंट 1-3-4 मिला, दूसरे में 2-6-5, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। लेकिन जब हमने इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट किया तो आप देखिए पहला सारे 2-2 साइकिल में तो कन्वर्ट हो गए बट यहाँ पर एलिमेंट्स अब कॉमन हो गए। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट हो गई कि अब ये आपस में कम्यूटेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 1-3 को पहले लिख लीजिए और 1-4 को बाद में लिखिए, ये अलाउ अब नहीं है। जबकि इसके पहले जब तक 3-3 साइकिल के एलिमेंट थे तो ये चीज अलाउ था कि आप चाहे तो 2-6-5 को पहले लिखते और 1-3-4 को बाद में रखते, एलिमेंट्स आपको वही सेम मिलता। लेकिन अब लास्ट लाइन ये आपको यहाँ पर बाध्य कर दिया गया है क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पर कॉमन है साइकिल में, इसलिए आप इनका प्लेस वैल्यू फिक्स हो गई है, अब इनको आगे पीछे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये जैसे लिखा हुआ है इसी तरह ही इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब मेरी बातों को फिर से यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, आपने ये कहा कि डिसजॉइंट साइकिल आपस में कम्यूट कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये हुआ। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता था कि 2-6-5 को हम आगे लिख दे देते और 1-3-4 को हम बाद में लिख देते। अगर हम ऐसा कर सकते थे उसका भी ट्रांसपोजिशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन होता, तो मैं आपको वर्बली यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर 2-6-5 को आप पहले लिखते और 1-3-4 को बाद में लिखते तो इसका ट्रांसपोजिशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन क्या होता, 2-5 × 2-6 × 1-4 × 1-3। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा, स्लाइड पर लिखा हुआ है 1-4, 1-3, 2-5, 2-6, मैंने क्या बोला 2-5 पहले 2-6 बाद में एंड देन थर्ड नंबर पे 1-4 एंड देन 1-3। ये भी क्या होता, मैं क्लेम कर रही हूँ कि ये भी एलिमेंट किसको, इसी रो को ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता। तो आप ये समझिए ये दोनों, और ये जो आपने स्लाइड पे देखा ये भी सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका ट्रांसपोजिशन जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक नहीं होता किसी भी एलिमेंट का। तो एस फाइव एसिमेट्रिक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम साइक्लिक
ग्रुप साइक्लिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लीकेशन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होता, इनको हम एक से ज्यादा तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि सेम एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम आते हैं कि ये जो आपने ट्रांसपोजिशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, इसको रिप्रेजेंट करने से हमें क्या मिलेगा, क्या पता चलेगा। यहाँ पर जो हमारे सिमेट्री ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम इवन एंड ऑड सिमेट्रिक, इवन एंड ऑड एलिमेंट्स के फॉर्मेट में, साइक्लिक फॉर्मेट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वो इवन कब होगा, सम कब होगा और विषम कब होगा, उसका इसको डिपेंड करता है ट्रांसपोजिशन पे, कि किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने ट्रांसपोजिशन की वहां पर जरूरत पड़ी, यानी कितने दो लेंथ के साइकिलों की जरूरत पड़ी। तो जैसे कि पिछले आपने उदाहरण नंबर 6 में देखिए कि रो को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 4 ट्रांसपोजिशन की जरूरत पड़ी। तो अगर 4 ट्रांसपोजिशन की जरूरत पड़ी, ये 4 क्या है, इवन नंबर है, यानी कि ये जो हमारा रो एलिमेंट है S7 का, ये हमारा सम एलिमेंट है S7 का, इसको हम सम एलिमेंट कहेंगे, सम पार्ट में यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो किस सिमेट्री ग्रुप के एलिमेंट को सम और विषम के पार्ट में इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें ट्रांसपोजिशन को, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने ट्रांसपोजिशन की, कितने पक्षांतरणों की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। अब ये डिवाइड करने के बाद, ये डिवाइड करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें, प्रमेय नंबर 10 क्या है कि ये बताती है कि अगर हम सारे डिवाइड करने के बाद सारे सम, जितने भी SN के जितने सम यहाँ पर फंक्शंस बनेंगे, सम एलिमेंट्स जितने हैं, उन सबका एक कलेक्शन बनाए, तो उसको हम कैपिटल AN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है, ये आपका कैपिटल AN से स्पेशल है। अगर ये कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका SN लिखा हुआ है तो यानी ये सिमेट्रिक ग्रुप है, N एलिमेंट्स पे डिफाइंड, और AN लिखा हुआ है तो यानी ये इसके सम एलिमेंट्स का कलेक्शन है किसी SN पे डिफाइंड। इसमें भी क्या होगा, इसके भी एलिमेंट्स क्या होंगे, फंक्शंस ही होंगे जिसके डोमेन में n नेचुरल नंबर होंगे एंड को डोमेन में n भी सेम n नेचुरल नंबर होंगे। और ये इनके खास बात क्या होगी कि इसके सारे जो एलिमेंट्स होंगे, सारे फंक्शंस जो होंगे, वो सम फंक्शन होंगे। सम फंक्शन का मतलब यही है कि उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें सम संख्या में ट्रांसपोजिशन की जरूरत पड़ी होगी। तो इनको AN से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एलिमेंट्स अगर आप देखें तो अगर काउंट किया जाए तो जितने SN में जितने टोटल फैक्टोरियल n एलिमेंट्स थे, उसमें फैक्टोरियल n बाई 2 एलिमेंट्स सम होते हैं और उतने ही विषम होते हैं। तो AN का जो यहाँ पर कोटी होगी, जो ऑर्डर होगा, वो फैक्टोरियल n अपॉन 2 होगा। और अगर इस AN जो आपका ये जो समुच्चय बनाया गया SN का, इसका विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, सेम जो बाइनरी ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में आपका SN ग्रुप बना हुआ है, अगर इसके रिस्पेक्ट में आप चेक करिए चारों ग्रुप की प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो AN है ये भी एक ग्रुप बनाता है, बल्कि ग्रुप बनाने के साथ साथ ये SN में इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, प्रासामान्य उपसमूह होता है। यानी कि इसके प्रासामान्य होने के लिए आपने पिछली इकाई में क्या देखा था कि प्रासामान्य होना कुछ अलग नहीं, बस उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक स्पेशल व्यवस्था होती है कि एक एलिमेंट आपका SN से लिया गया, अगर F, और एक एलिमेंट आपका A से लिया गया, तो F, A और F इनवर्स इसके A के सारे एलिमेंट इस फॉर्मेट में यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये AN क्या कहलाता है, AN जो उसके सम एलिमेंट्स का कलेक्शन है, वो अपने आप में एक नॉर्मल ग्रुप बनता है, और वो नॉर्मल सब ग्रुप किसका होता है, SN का। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो टिप्पणी 5 लिखी गई है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जितने आपके अगर n फैक्टोरियल n बाई 2 आपके सम है, तो ऑब्वियसली फैक्टोरियल n बाई 2 आपके विषम होंगे। यानी कि किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप में जितने आपके सम नंबर एलिमेंट्स होते हैं, उतने ही आपके विषम एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो आगे परिभाषा के देखते हैं कि SN में जो आपने AN जो ग्रुप हमने जो इसका सबसेट बनाया है, इस सबसेट, इस ग्रुप का भी अपना एक स्पेशल नाम होता है जिसको अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं, और इसको अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री N के फॉर्मेट में बताया गया है। ये N वही N है जो आपका सिमेट्री ग्रुप N को में N को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि क्योंकि ये इसका सबसेट है, यानी इसके एलिमेंट्स भी फंक्शंस होंगे, और वो फंक्शंस कहाँ होंगे, डोमेन से कोडोमेन पे डिफाइंड होंगे, जिसके कोडोमेन डोमेन एंड कोडोमेन में फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ही होगा। तो अगर A3 लिखा हुआ है, इसका मतलब भी एक ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन है जिसके डोमेन में 3 एलिमेंट 1, 2, 3 है, और कोडोमेन में भी 1, 2, 3 एलिमेंट है, और सारे 1, 1, 1, 2 फंक्शन का ये कलेक्शन। प्रमेय नंबर 11 एक स्पेशल प्रमेय जनरल फंक्शन पे दे रखी है कि सपोज n की वैल्यू अगर ग्रेटर आर इक्वल्स टू 3 है,
अगर n की वैल्यू हमने यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 3 लिया, यानी S3, S4, S5 कोई भी हमने एक सिमेट्रिक ग्रुप लिया, तो इसका जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होगा वो SN के सभी जितने भी SN में जितने तीन चक्र वाले जितने समूह होंगे उसका अगर हम ले, सिर्फ तीन चक्र वाले के एलिमेंट का अगर हम कलेक्शन ले, तो वो क्या होगा, वो सारे AN के सारे एलिमेंट को यहाँ पर जनरेट कर सकता है। तो आप देखिए कि ये चीज फिक्स है कि अगर SN की वैल्यू कुछ भी हो, S3 हो, S4 हो या S5 हो, कोई भी यहाँ पर सिमेट्रिक ग्रुप हो, बस N की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 3 होना चाहिए। उसमें जितने 3 साइकिल वाले एलिमेंट्स होंगे अगर उसका कलेक्शन बनाया जाए तो वो क्या होगा, उसके नॉर्मल सब ग्रुप जो AN होगा हमारा, जैसे हमने S5 लिया तो उसका A5 के जितने भी एलिमेंट होंगे वो उसी 3 साइकिल वाले एलिमेंट से ही यहाँ पर जनरेट हो सकते। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि सभी तीन चक्रों का जो समुच्चय होगा वो AN को, यहाँ AN का जनरेटर होगा। तो वो जो भी हमारा सेट बनेगा उसको अगर हम स्मॉल एस से, किसी भी कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो S हमारा AN का यहाँ पर जनरेटर होगा। आगे AN के बारे में और खास बातें हैं कि AN क्या होता है, ये हमारा सिंपल ग्रुप होता है। सिंपल ग्रुप होने का मतलब क्या, आपने सिंपल पिछली इकाई में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, सिंपल होने का मतलब यही होता है कि कोई भी ग्रुप सिंपल तभी होता है यदि उसमें कोई भी अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो या तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा या तो वो खुद ही होगा, इसके अलावा उसमें और कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो AN का कोई भी सब ग्रुप यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि AN आपका एक सिंपल ग्रुप होता है। और मान लीजिए अगर हम AN का कोई, हम एक एलिमेंट ऐसा लेते हैं AN का, मान लीजिए हमने कोई एक सेट लिया जिसमें एक तीन चक्र है, और हमने ये कहा कि तीन चक्र होने से मतलब यही कि AN आपने कोई सेट यहाँ पर, आपने अभी बताया पिछले एक प्रमेय नंबर 11 को और उपप्रमेय 1 को अगर एक साथ यहाँ पर जोड़कर देखा जाए, तो प्रमेय नंबर 11 ये कहती है कि SN, N की वैल्यू बस ग्रेटर इक्वल्स टू 3 हो, तो SN के जितने भी तीन चक्र वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे AN को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि मान लीजिए N ग्रेटर इक्वल्स टू 3 हो और AN कोई हमारा अल्टरनेटिंग ग्रुप, और H हम क्लेम कर रहे हैं कि H AN के नॉर्मल है, तो अगर H AN का नॉर्मल है तो इसका मतलब H में भी तीन चक्र वाले एलिमेंट्स होंगे, तीन चक्र वाले एलिमेंट्स है, अगर उसमें एक भी तीन चक्र का एलिमेंट हुआ तो वो क्या होगा, AN के बराबर हो जाएगा। तो यानी उसमें कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप वहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसी वजह से AN यहाँ पर आपका सिंपल ग्रुप कहला रहा है। आगे बढ़ते हैं कि केली, इस पे ही आपका केली की थ्योरम यहाँ पर बहुत फेमस, जो विद नेम यहाँ पर डिफाइंड है, इसका भी स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी समूह जी आपका क्रमचय समूह SG के एक उप समूह के तुल्यकारी होता है अगर G को एक क्रमचय समूह के रूप में देखा जा सकता है। तो आइए अब हम अगले ब्लॉक के तरफ बढ़ते हैं जो हमारा वलय सिद्धांत, जिसका नाम है वलय सिद्धांत की जो के बारे में, सिद्धांतों के बारे में जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली इकाई नंबर 10वीं है जिसमें हम सिर्फ वलय के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस इकाई का जो उद्देश्य है कि वो वलय क्यों, वलय किस पे डिफाइंड है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, क्या उपयोगिता है, और क्यों हम इसको ग्रुप में, ऐसा हम क्या कर देते हैं कि कोई भी हमारा जो ग्रुप है वो वलय में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बारे में आइए हम विस्तृत चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो वलय क्या है, अभी तक आपने देखा, वलय को पढ़ने से पहले अभी तक आपने ये देखा था कि हम ग्रुप के बारे में जब बात करते थे तो हमें क्या जरूरत पड़ती थी, एक सेट की जरूरत पड़ती थी और एक बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती थी। वो बाइनरी ऑपरेशन भी सबसे परिभाषित होना चाहिए था, उस सेट के बारे में कंडीशन थी कि वो एम्प्टी या नॉन एम्प्टी होना चाहिए था, और उसको बाइनरी ऑपरेशन के साथ जब हम एक साथ स्ट्रक्चर बनाकर देखते थे तो कुछ विशेष नियम थे 3, 4 और 5 यहाँ पर, अगर वो उन विशेष नियम को एक सीक्वेंस फॉर्मेट में अगर उसको फॉलो करता था तो हम कहते थे कि हमारा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप कहलाता था। यहाँ पर आप खास बात देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका सेट है जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि वलय को इंग्लिश में हम रिंग कहते हैं, रिंग का पहला यहाँ पर अल्फाबेट क्या है, R, इसी से कैपिटल R से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो R को यहाँ पर हम लेते हैं और R के साथ हम यहाँ पर एक नहीं दो बाइनरी ऑपरेशन एक साथ लेकर चलते हैं, तो एक बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस है और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। तो अभी तक आपने ग्रुप से वलय में जाने पर क्या मेजर चेंज देखा, कि ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हमें एक बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वलय को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक से ज्यादा यहाँ पर दो बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी है। तो मान लीजिए R प्लस और मल्टीप्लीकेशन ये आपका एक
एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें आर आपका एक अरक्त समुच्चय है, और ये दो जो बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि मैंने इनको कहा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए सबसे पहले इसकी बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी ये डिफाइन होना चाहिए, यानी स्टार ये जिस भी सेट पे ये आर पे अगर डिफाइंड है तो स्टार ये आर क्रॉस आर से आर पे एक फंक्शन होगा, यानी आर के दो एलिमेंट्स को अगर हम लें तो उसको अगर हम एड एडिशन से सेपरेट करें तो रिजल्ट जो भी कुछ मिलेगा वो आर का एलिमेंट होना चाहिए। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी इस आर क्रॉस आर टू आर पे एक डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए, यानी आर के अगर हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी, यहाँ पर अगर हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आर का ही होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर डिफाइन होनी चाहिए। तो आर मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर एडिशन दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन है, और इस आर के रिस्पेक्ट में ये हमारा रिंग तब कहलाता है जब ये आर वन से लेकर आर सिक्स तक जितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है इसको सेटिस्फाई करे। तो आइए विस्तृत रूप से देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी है क्या। तो पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि ए बी के लिए ए प्लस बी की वैल्यू बी प्लस ए के बराबर हो, तो ये आप देख रहे हैं कि यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी आर में जितने एलिमेंट होंगे वो एडिशन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर दो दो अलग अलग ऑपरेशन है तो हम ये दोनों ऑपरेशन को सेपरेट यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं की गई है, ओनली एडिशन के यहाँ पर कंडीशन है कि ए प्लस बी की वैल्यू बी प्लस ए के यहाँ पर बराबर होनी चाहिए, यानी एडिशन के यहाँ पर कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, नंबर टू, ए के सारे तीन एलिमेंट्स अगर लेंगे तो उसमें देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एसोसिएटिव भी होना चाहिए। आर में जीरो एलिमेंट होना चाहिए, जीरो क्या होता है, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिशन की यहाँ पर ये आइडेंटिटी तत्समक एलिमेंट होता है, तो जीरो भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि हर एक अगर आर में कोई एक एलिमेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होना चाहिए जो ए प्लस एक्स को जीरो में कन्वर्ट कर दे या एक्स प्लस ए को जीरो में कन्वर्ट कर दे, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ए के इनवर्स एलिमेंट भी, प्रतिलोम एलिमेंट भी आर में होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब इन चारों प्रॉपर्टीज को अगर एक साथ आप मिलाकर देखें तो एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बाइनरी ऑपरेशन पे ऑलरेडी डिफाइंड है एडिशन पे, तो एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी भी एडिशन के रिस्पेक्ट में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के रिस्पेक्ट में, आइडेंटिटी भी, एडिटिव आइडेंटिटी भी प्रेजेंट होना चाहिए और एडिटिव इनवर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ विद इनवर्स एलिमेंट कम्यूटेटिव भी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होना चाहिए। तो यानी आर प्लस यहाँ पर अगर आप देखें, अगर यहाँ पर थोड़ी देर अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात ना करें तो आर प्लस क्या है, ये हमारा एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए रिंग होने के लिए। अब हम आर मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आप देखिए यहाँ पर ये एसोसिएटिव आर फाइव प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि एसोसिएटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और बंटन का जो नियम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी जिसको हम कहते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए एडिशन पे और एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन पे, ये दोनों प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी आपका यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी ये सेटिस्फाइड हो गया, एसोसिएटिव हाई है, तो अगर आर आपका एसोसिएटिव भी हो और क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों ही सेटिस्फाइड हो, इसमें देखिए ना मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की बात की गई, ना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात की गई, और ना मल्टीप्लीकेटिव कम्यूटेटिव की कम्यूटेटिविटी की बात की गई, तीन प्रॉपर्टीज ड्रॉप किया गया, सिर्फ क्या बात की गई है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्लोजर होना चाहिए और एसोसिएटिव होना चाहिए, और कोई भी ग्रुप अगर कोई भी सेट अगर ये बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो उसको हम सेमी ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ब्रेक करके अगर समझना चाहें तो R प्लस आपका एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और R मल्टीप्लीकेशन आपका सेमी ग्रुप होना चाहिए, और साथ ही साथ R6 नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन पे होगा और एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो इसी परिभाषा को शॉर्ट में आप देखें, यही चीज आगे दिया हुआ कि R प्लस मल्टीप्लीकेशन एक रिंग कब कहलाएगा, जब R प्लस एक अबेलियन ग्रुप हो और R मल्टीप्लीकेशन एक सेमी ग्रुप हो, सामी समूह हो, और साथ ही साथ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों ही दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। इसके एग्जांपल में देखिए NZ, जहां पर Z आपका सेट ऑफ इंटीजर है और ZN यहां पर ये रिंग रिप्रेजेंट
तो कोई भी जो रिंग होती है वो हमारी फाइनाइट रिंग तब कहलाती है जब हमारा जो जिसपे हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है जिस भी सेट पे अगर हमारा फाइनाइट सेट हो, तो अगर आर आर हमारा फाइनाइट सेट है जिस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो रिंग डिफाइन है वो भी फाइनाइट है, अदरवाइज अगर आर इनफाइनाइट है तो रिंग भी हमारा इनफाइनाइट हो रहा है। आगे हम कम्यूटेटिव रिंग की बात करते हैं। अब आपने देखा है कि कम्यूटेटिविटी और एडिशन और इनवर्स, कम्यूटेटिविटी और आइडेंटिटी और इनवर्स, ये सारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ऑलरेडी हमने परिभाषा में देख लिया है कि रिंग अगर है तो ये तीनों प्रॉपर्टी वहां होगी। अब क्या ऐसा कर लेते हैं कि रिंग हमारा कम्यूटेटिव रिंग कहलाता है, तो यहाँ पर बस यही है कि सिंगल प्रॉपर्टी की अगर हर एक आर के दो एलिमेंट्स लें और वो आपस में कम्यूट करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अंडरलाइन करिएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपका रिंग कम्यूटेटिव है तो हम मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में एलिमेंट्स आपके कम्यूट कर रहे हैं, ए इंटू बी की वैल्यू बी इंटू ए है फॉर एवरी ए बी आर में जितने भी प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि रिंग हमारा कम्यूटेटिव रिंग कहलाता है। यानी कि अब क्या हो गया, आर प्लस हमारा अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और R मल्टीप्लिकेशन हमारा सेमी ग्रुप होने के साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूटिव अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहेंगे कि रिंग हमारा कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा। अब उदाहरण में आप देखिए कि सेट ऑफ इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारे ही जो हमारे हैं ये कम्यूटेटिव रिंग कहलाते हैं। बट ये MN ओवर C, MN क्या है, ये है 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन जहां पे उसकी एंट्रीज क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन की गई है। अगर n यहाँ पर हम दो से ज्यादा की वैल्यू n फिक्स कर देते हैं कि n की वैल्यू दो से ज्यादा हो सकती है, तो ये जो मैट्रिक्स का कलेक्शन जो यहाँ पर सेट बन रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं कहलाती है, जिसके बारे में अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो क्योंकि हमने पिछली इकाइयों में इंडोमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस किया है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं इसके बारे में भी, ये रिंग कैसे बनता है। मान लीजिए ए प्लस कोई अबेलियन ग्रुप और एक ही सभी अंतःकारिताओं का जो समुच्चय है वो इंडोमॉर्फिज्म कहलाता था। ये जो इंडोमॉर्फिज्म है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ये भी क्या होता है, एक रिंग फॉर्मेट करता है। इंडोमॉर्फिज्म आपने पिछले इकाई में पढ़ा था कि ये एक ग्रुप बनाता है जो विद रिस्पेक्ट टू जिस भी हम ये सेट ए पर डिफाइन करते हैं इसके रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बन जाता था। यहाँ पर अगर हमने इसको और प्रॉपर्टी देखा तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ ये हमारा क्या बनाएगा, एक रिंग बनाता है, रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और इस रिंग का एक विशेष नाम है इंडोमॉर्फिज्म रिंग। अब इनकी कुछ प्रारंभिक गुणों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि आर कोई रिंग है। हमेशा रिंग को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पहले ही बता दिया कि रिंग जो वलय है इसको इंग्लिश में रिंग कहते हैं, इसका पहला अल्फाबेट आर से है, तो जहां पर भी कैपिटल आर लिखा होगा इन एलजेब्रा ये पहले ही माइंड में मैसेज जाना चाहिए कि अगर वलय ग्रुप के बारे में बात की जा रही है तो आर हमारा रिंग सिमेट्रिक ग्रुप है, तो वो एसएन से लिखा होगा, तो यानी वो सिमेट्रिक वहां पर वो क्रमचय के समूह के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर R लिखा हुआ है, वल्ले नहीं भी लिखा होता तो ये मैसेज यही है कि R एक रिंग को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके दो तीन एलिमेंट्स ए बी सी अगर हमने R में लिए तो प्रॉपर्टी नंबर 1, 4, 1, 2, 3, 4 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A इंटू जीरो की वैल्यू जीरो होगी, 0 इंटू ए की वैल्यू भी यहाँ पर, चाहे हम 0 को लेफ्ट से ऑपरेट करें या राइट से ऑपरेट करें, एडिटिव आइडेंटिटी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ए के सारे एलिमेंट में चाहे हम लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें वैल्यू हमेशा हमें 0 ही मिलेगी। दूसरा ए की वैल्यू माइनस बी से या माइनस ए की वैल्यू बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू माइनस ए बी होगी, माइनस ए इंटू माइनस बी की वैल्यू ए बी होगी और ए की वैल्यू अगर बी माइनस सी पे हम ऑपरेट करें तो ए बी माइनस ए सी से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आगे और बढ़ते हैं इसी रिंग में, रिंग में अगर हमने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बात किया, क्या क्या मिसिंग था अभी तक, आपने कम्यूटेटिव थी वहां पर ऐड किया, अगर हमने वहां पर एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मान लीजिए हम एक ऐसा रिंग लेते हैं जिसमें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अगर वहां पर प्रेजेंट हो जाए तो वो हमारा रिंग रिंग विद आइडेंटिटी या रिंग विद यूनिटी कहलाता है। ये विशेष नाम है कि इस रिंग को हम क्या कहते हैं, रिंग विद आइडेंटिटी और रिंग विद यूनिटी, क्योंकि रिंग को डिफाइन करने के लिए आप देखिए आपका उसकी बेसिक डेफिनेशन ही यही होती है कि वो R प्लस अबेलियन होना चाहिए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी तो वहां पर प्रेजेंट है ही है,
अब क्योंकि एक विशेष नाम दिया गया है रिंग को कि रिंग विद आइडेंटिटी, इसका मतलब रिंग में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को ऐड किया गया है और वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी की बात नहीं की जा रही है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर पहले से प्रॉपर्टी मिसिंग थी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो वन होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम रिंग विद यूनिटी भी कहा गया है, वहां से ही इसका नाम रिंग विद यूनिटी कहा गया। यानी कि परिभाषा के तौर पे अगर इसको देखें तो यानी कि उसमें एक एलिमेंट ई आर में ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जो आर के सभी एलिमेंट ए के लिए ए, चाहे हम ए को ई पर लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें, वैल्यू हमेशा ए को ही दे। अगर ऐसा कोई ई वहां पर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट, अब कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने कम्यूटेटिव रिंग के बारे में चर्चा किया, फिर हमने रिंग विद यूनिटी के बारे में चर्चा किया। अब इन दोनों परिभाषाओं को एक साथ एक सूत्र में अगर एक ही नजर से अब आप देखिए तो कम्यूटेटिव रिंग क्या है, कम्यूटेटिव होना चाहिए। अब वो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि रिंग क्या होता है। रिंग को की बेसिक डेफिनेशन यही है कि रिंग होने के लिए उसको एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए वहां पर कोई कंडीशन नहीं है। अब अगर आप कहते हैं कि रिंग आपका कम्यूटेटिव हो गया है, इसका मतलब यानी कि वहां पर एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या ऐड हो गई कि वो उसके सारे एलिमेंट्स पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करने लग गई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एडिशन तो पहले से ही था, अब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी वो कम्यूटेटिव हो गया। नेक्स्ट वन, विद आइडेंटिटी की बात की जा रही है। इसके नाम में ही इसका अपना एक्सप्लेनेशन है, विद आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, एडिटिव का जो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो था वो तो पहले से ही प्रेजेंट था, अब उसमें क्या हुआ, आपने कहा विद आइडेंटिटी, फिर भी आप फोर्स कर रहे हैं कि एक आइडेंटिटी और वहां पर हो गया, तो वो आइडेंटिटी किसके रिस्पेक्ट में होगा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो अगर वहां पर सारे एलिमेंट्स आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और वहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वहां पर अगर प्रेजेंट हो जाती है तो हमारा रिंग कहलाता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं कि जेड सेट इंटीजर के रिस्पेक्ट में, अगर हमने रेशनल नंबर ले लिया, रियल नंबर ले लिया या कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ये सारे ही क्रम विनिमेय तस्मिकी वाले हैं, यानी कम्यूटेटिव विद कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। इन सभी में जो है एक एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है जिसको हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखिए। अब आपने पिछले लाइन को अगर मैं अंडरलाइन करूँ तो मैंने कहा था कि M2 over N की वैल्यू दो या दो से ज्यादा हो, यानी एक ऐसे जो M2R दिखा गया है, यानी 2x2 मैट्रिक्स का अगर यहाँ पर इन मैट्रिक्स का जो कलेक्शन है अगर उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करिए तो ये देखिए यहाँ पर ये तत्समिकी, ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में देखिए कि ए कोई भी दो मैट्रिक्स हमने लिया यहाँ पर एग्जांपल, एक 2x2 मैट्रिक्स ए लिया और बी लिया, इन दोनों का ए बी मल्टीप्लीकेशन और बी ए मल्टीप्लीकेशन देखिए, दोनों इक्वल नहीं है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जबकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सेटिस्फाई करेगा, बट मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर ये ए इंटू बी की वैल्यू बी इंटू ए के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव नहीं है। अगर ये कम्यूटेटिव नहीं है तो ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हम कहेंगे कि ये नहीं। आगे बढ़ते हैं इनवर्स के बारे में। तो अभी तक क्या था कि एडिटिव इनवर्स तो थे, उसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं था। अगर कोई वहां पर हम क्या कहेंगे कि कोई एक एलिमेंट आर स्मॉल आर को यहाँ पर लिया गया है, कि मान लीजिए एक स्मॉल आर कैपिटल आर में एलिमेंट लिया, उसके रिस्पेक्ट में एस वहां पर एक ऐसा प्रेजेंट है कि आर इंटू एस की वैल्यू वन के बराबर है और एस इंटू आर की वैल्यू भी वन के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो एस एलिमेंट है स्मॉल आर का इनवर्स एलिमेंट है। तो ये इनवर्स एलिमेंट किसके रिस्पेक्ट में है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पर एस क्या है, एस क्या होगा, ये आर के रिस्पेक्ट में इसके मात्रा को भी हम रिप्रेजेंट के फॉर्मेट में भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या है, यहाँ पर इसका स्मॉल एस जो हमने स्मॉल आर एलिमेंट लिए है उसके सारे इनवर्स एलिमेंट है। तो मात्रक और तत्समक में दोनों में यही अंतर है, आप इस चीज को समझिएगा कि मात्रक क्या होता है, आपको मात्रक कोई भी व्युत्क्रमणीय अवयव हो सकता है, कोई भी आपका इनवर्स एलिमेंट हो सकता है, जबकि जो इसकी आइडेंटिटी तत्समक एलिमेंट होती है वो हमेशा फिक्स होती है, जो जो कि हमारा जो रिंग होगा उसके रिस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मात्रक जो भी हमारा एस एलिमेंट है वो मात्रक भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आर का इनवर्स भी है।
ठीक है, लेकिन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस यही है कि मात्रक क्या हो सकता है, वो हमेशा किसी जो भी एलिमेंट है उसके इनवर्स एलिमेंट को ही कहते हैं, जबकि तत्समक क्या होता है वो किसी भी रिंग के रिस्पेक्ट में हमेशा फिक्स होता है। तो यदि एक, अब यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में एक प्रमेय दिया गया है कि यदि एक तत्समकी वाले आर में स्मॉल आर एक मात्रक है, तो एक अद्वितीय वहां पर एस बिलोंग्स टू आर एक एलिमेंट वहां पर जरूर मिलता है, जिससे आर इंटू एस की वैल्यू वन हो, अर्थात आर में स्मॉल आर का एक अद्वितीय प्रतिलोम जरूर होता है। तो आर के रिस्पेक्ट में वहां पर एक इनवर्स एलिमेंट वहां पर जरूर वहां पर प्रेजेंट होता है। धन्यवाद।